एक बहुत बड़ी आबादी इनहेलर्स का यूज़ सही तरीके से नहीं करती है और जिसकी वजह से जो इनहेलर्स से निकली हुई दवाई है वो उनके फेफड़ों तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से उनको पूरा आराम नहीं आ पाता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनहेलर्स को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाया जा सके और अस्थमा से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उससे बचा जा सके। तो आप इस वीडियो को अपने किसी ऐसे भी फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि इनहेलर्स का यूज़ करता है ताकि उसको पता लग पाए कि इनहेलर्स को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इनहेलर के बारे में कुछ चीज़ें। देखिए इनहेलर किस तरीके से बना हुआ है। इनहेलर के जो अगर आप पार्ट देखें तो ये इनहेलर की कैप है और इसके दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका सिलेंडर जिसके अंदर एक प्रोपेलेंट गैस होती है और मेडिसिन का मिक्सचर या कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन हो सकती है। तो जब इसको इस सिलेंडर को इस एक्चुएटर में, इस प्लास्टिक वाले पार्ट को एक्चुएटर कहते हैं, लगाया जाता है और जब इसको प्रेस किया जाता है तो जो इससे माउथ पीस है, माउथ पीस से मेडिसिन की एक स्प्रे निकलता है। उस स्प्रे को इनहेल करने से अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा जैसी कंडीशंस में आराम आता है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले इनहेलर्स को यूज़ करने का सही तरीका। सबसे पहले आपका या तो आप मार्केट से परचेस करके लाए हैं या फिर आपने इनहेलर को एक हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा और वो है इसके दो स्प्रे को अलग से स्प्रे करना। मतलब उसको वो स्प्रे इसके हवा में निकालेंगे। इनहेलर को शेक करने वाली बात आपने सुनी तो शायद कई बार होगी लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको शेक करते क्यों है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। बेसिकली जो इनहेलर है, इनहेलर के जो सिलेंडर है, मैंने जैसा आपको बताया था कि इसके अंदर प्रोपेलेंट गैस और मेडिसिन होती है, तो आप ये बात मान के चलें कि अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से शेक नहीं किया या बिना शेक करे यूज़ किया तो आपको प्रोपेलेंट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा बजाय इसके कि दवाई के, और आराम नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताता हूँ कि इनहेलर को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है, उस टेक्निक को आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने के बाद, अपराइट कंडीशन में बैठने के बाद, आपको ये इनहेलर का जो कैप है उसको रिमूव करना है और इसको एक प्रॉपर शेक देना है। अंगूठा नीचे माउथ पीस के पास और बाकी दो उंगलियां ऊपर कंटेनर को पकड़ते हुए, फिर आपको इसको शेक करना है। फिर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीधे बैठने के बाद जो आप अपने फेफड़ों से कुछ हवा को बाहर निकालना है, कुछ इस तरीके से आप फेफड़ों से हवा बाहर निकल चुकी है। फिर आपको क्या करना है, इस इनहेलर का जो माउथ पीस है उसको अपने दांतों के बीच में प्लेस करके काटना नहीं है, सिर्फ आपको रखना है और उसके बाद अपने लिप्स से उसको लॉक करना है ताकि दवाई बाहर ना निकले। जैसे ही इनहेलर को प्रेस करें मुंह से एक स्लो और डीप सांस लें और उसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करने की, जितना आपको कंफर्टेबल रहे, कोशिश करें और उसके बाद सांस को बाहर छोड़ दें। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद आपको अगर सपोज डॉक्टर ने दो डोज एक बारी में बोली है तो एक साथ दो पफ लगातार नहीं लेने, आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का बीच में गैप देना है और उसके बाद ही आपको वो पफ लेने हैं। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको इनहेलर यूज करने का प्रॉपर तरीका पता लग गया होगा। फाइनली एक बार और आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या चीजें आपको इनहेलर के अंदर नहीं करनी। नंबर वन, इसको सही तरीके से पकड़ना है, इसको ऐसे उल्टा नहीं पकड़ना कि कंटेनर नीचे और माउथ पीस ऊपर। नंबर टू, इसको आपको यूज करने से पहले शेक जरूर करना है। नंबर थ्री, अगर आप इसको या तो नया परचेज करके लाए हैं या 7 दिन से ज्यादा आपने इसको यूज नहीं किया है तो आपको इसको शेक करके दो पफ आपको एयर में अलग निकालने होंगे। और उसके अलावा ये ध्यान रखें कि एक इनहेलर को एक ही पेशेंट यूज करे, एक से ज्यादा पेशेंट एक इनहेलर को ना यूज करे, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। यूज होने के बाद उसके कैप को उसकी जगह जरूर लगा दें क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाए, और क्योंकि आपको वैसे ही एलर्जिक कंडीशन है तो अगर आपने इसके अंदर डस्ट पार्टिकल गए और आपने इनहेल किया तो हो सकता है वो पार्टिकल फिर लंग्स में चले जाएं और लंग्स में जाने की वजह से आपको एलर्जी क्रिएट कर दें। इसी तरीके के मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। बाय बाय।